नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने झारखंड की नौकरशाही में 100 करोड़ी क्लब का नाम कभी सुना है? सबसे पहले ये शब्द झारखंड हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता राजीव कुमार थे, जो कि फिलहाल ईडी की जांच के दायरे में हैं, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि झारखंड की नौकरशाही में कुछ नौकरशाह ऐसे हैं जिनकी अवैध कमाई 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस मामले में उन्होंने कहा था कि पूजा सिंघल अकेले नहीं है बल्कि कुछ और नौकरशाह हैं। तो अब जो ताज़ा खबर ये है कि ये जो 100 करोड़ी क्लब के जो लोग हैं, इनकी फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेज दी गई है और ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि अब ईडी को जांच दी जा सकती है कि जरा इनके खातों को खंगालिए कि ये 100 करोड़ी क्लब में कौन कौन हैं और इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं झारखंड में, कहाँ संपत्तियाँ खरीदी हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। तो बहुत जल्द झारखंड की राजनीति में इससे जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मैं पिछले 2-3 दिन की खबरों को खंगाल रहा था झारखंड से। रांची के हनुमान मंदिर के बाद धनबाद में एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा का क्षतिग्रस्त हो जाना, उसके बाद आज खबर है कि गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में सिद्धू कान्हू की जो प्रतिमा है उसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ डाला। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अकेली घटनाएं हैं, एक दूसरे से इनका कोई रिश्ता नहीं है, या सचमुच झारखंड में माहौल ख़राब करने की एक प्री प्लांट साजिश रची जा रही है, क्योंकि कई शहरों से इस तरह की खबरें आ रही है कि कहीं किसी इमामबाड़ा में किसी ने कुछ गलत हरकत कर दी, जो कि रांची में ही हुआ था, किसी ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, कोई दूसरी मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दी गई, सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का जो है उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो आखिर इस सब के पीछे कोई है या सिर्फ ये रांची पुलिस की माने तो किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की ही ये साजिश है, लेकिन कुछ तो है गड़बड़, क्योंकि अचानक इस तरह की खबरों की बाढ़ नहीं आ सकती, इसके पीछे कोई तो शक्ति काम कर रही है। तीसरी बड़ी खबर बिहार से है। अमित शाह बिहार का कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस बात के उन्होंने साफ साफ संकेत दिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार आए थे और फिर आ रहे हैं 2 दिन बाद। तो जिस प्रकार 2014 में यूपी की कमान अमित शाह ने संभाली थी, उस वक्त वो आधिकारिक रूप से प्रभारी थे, लेकिन बिहार में भी फोकस वही रहेगा, काम वही करेंगे, हो सकता है कि प्रभारी के नाम की जगह किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दे दिया जाए, लेकिन बिहार को अमित शाह ने एक चैलेंज के रूप में लिया है, खास करके उस परिस्थिति में जब आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहते हैं कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और जेडीयू का कोई भी नेता जगदानंद सिंह के बयान को काटता नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। आरजेडी के नेताओं की ओर से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने आज कहा कि जगदानंद बाबू ने बिल्कुल सही कहा है, बात तो यही है कि 2023 में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी अगले साल। 2022 का आखिरी पड़ाव चल रहा है। तीसरी बड़ी खबर राष्ट्रीय स्तर पर है, दिग्विजय सिंह का सिंधिया हो गया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 2019 में मध्य प्रदेश का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कुछ वहां ऐसा गुल खिलाया कि मुख्यमंत्री बन गए कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज होकर चले गए बीजेपी में। अब ठीक वही खेल दिग्विजय सिंह के साथ हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन का फॉर्म खरीदा, शाम को वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर गए, उन्होंने सारी बात बताई, कहा कि हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आप प्रस्तावक बनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा उस वक्त। सुबह सुबह पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह मन महसूस कर रह गए, वो नॉमिनेशन में प्रस्तावक बने, कई दिग्गज प्रस्तावक बने हैं, लेकिन एक टीस, एक कसक दिग्विजय सिंह के मन में थी, जो कि एक बयान के रूप में सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस की लोकतांत्रिक दिखने की योजना को धराशायी कर दिया। वार अशोक गहलोत पर था, लेकिन लोकतांत्रिक दिखने की योजना,
यह दिखने की योजना क्या होती है, क्या लोकतांत्रिक है नहीं। एक उम्मीद दिग्विजय सिंह को अब भी है, वो ये है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में। कुछ नाम हैं, पी चिदम्बरम इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि फिर कहा जाएगा कि हर महत्वपूर्ण पद दक्षिण भारत को दिया गया है। इसी श्रेणी में जयराम रमेश भी नहीं बन सकते। तो एक चेहरा जो कि हिंदी भाषी उत्तर भारत का नजर आता है वो दिग्विजय सिंह है। तो देखना ये होगा क्या दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नेता विपक्ष का पद उन्हें दिया जाता है या नहीं। नमस्कार।